ये देश की वो बेटियां हैं जो इस देश के लिए ख्याति लाती हैं, जिनके साथ खड़े रहने में प्रधानमंत्री को भी गर्व का अनुभव होता है, जिनको वो ये कहकर संबोधित करते हैं कि तुम मेरे घर की बेटी हो, तुम्हें निराश में नहीं देख सकता हूं। आज इस देश में बहुत बड़ा इतिहास रचा गया। इस देश में एक तानाशाह ने अपने राज तिलक का स्वांग रचा। इस देश में एक ऐसी संसद का उद्घाटन हुआ जहां लोकतंत्र को छोड़कर सब कुछ है। लेकिन सबसे स्याह इतिहास और आने वाला समय इसका साक्षी रहेगा कि जब एक तानाशाह अपना राजतिलक करा रहा था, तब हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां इस तरह से घसीटी जा रही थी, मारी जा रही थी, डंडों से पीटी जा रही थी। स्याह इतिहास ये और भी है क्योंकि बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था। बेटियों का बलात्कार ही उस सदन में मौजूद था, उसका सम्मान हो रहा था और इस देश की बेटियों के ऊपर पुलिस टूट पड़ी थी। इनके छातियों पे मेडल रहता है, इनकी पीठ से वो पटकनी देती हैं। उन छातियों पर आज बूट थे, पीठ पर डंडे थे और पुलिस उनको ऐसे खींच रही थी कि वो दुर्दांत आतंकवादी हैं। जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो हमारी देश की बेटियों का चीरहरण हो रहा था। इतिहास इस बात का साक्षी बनाया है। और अगर ये देखकर भी एक सभ्य समाज चुप रहेगा तो वो समाज सड़ चुका है, गल चुका है। उस समाज को अपने आप को सभ्य कहने का कोई अधिकार नहीं। आज भी वो आदमी कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना हुआ है, आपका सांसद है, संगीन आरोप है उस पर, पॉक्सो जैसे आरोपों से दबा हुआ है वो, और वो ललकार रहा है हमारी बेटियों को। ये वो बेटियां हैं जिनको आप अपने घर की बेटी कहते थे। क्या हो गया है मोदी जी आपको? आप ये सोच सकते हैं आज कौन अपनी बेटी को भेजेगा कुश्ती लड़ने के लिए या कोई भी स्पोर्ट्स करने के लिए? ये बेटियां बलात्कार का, यौन शोषण का आरोप लगा रही है। आज सवाल यह है कि आप जवाब नहीं दे सकते, आप कार्यवाही नहीं कर सकते, लेकिन आप इन बेटियों के साथ ये बर्बरता कैसे कर सकते?